तो फाइनली गाइस यार आज का हमारे इंडियन आइटम 3 का न्यू अपडेट और मुझे भी मिल चुका है इसका न्यू अपडेट और आप इसे कैसे ले सकते हो। साथ में आज के हमारे न्यू स्पाइडर जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक है और इनका क्या चीट कोड है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ में हमारा न्यू अपडेट आप सभी को कब तक देखने को मिलने वाला है उसका भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आ चुके हैं भाई हमारे न्यू एंडोवर कार जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छे, इसे लेने के बाद तो भाई आप खुशी के मारे नाचने लगोगे। साथ में यहाँ पे आज का हमारा न्यू टेम्पू का भी चीट कोड की इसे आप कैसे ले सकते हो, इसका क्या चीट कोड होने वाला है, इसका न्यू अपडेट आप सभी को कैसे मिलने वाला है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ हमारे न्यू अपडेट में आई कुछ न्यू गन्स के बारे में जो कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हो। मुझे फाइनली मिल चुके हैं न्यू गन्स जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और साथ ही इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ हमारे न्यू अपडेट से रिलेटेड एक इतनी बड़ी गुड न्यूज जिससे कि सुनने के बाद में आप तो खुशी के मारे नाचने लगोगे। और आप इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि हमारे न्यू अपडेट में आपको कौन कौन से न्यू अपडेट, कौन कौन सी न्यू कार और RGS टूल में आप सभी को कौन कौन से न्यू ऑप्शन और कौन सी न्यू बिल्डिंग्स अपडेट में ऐड की जाएगी जिनके बारे में अभी तक भाई किसी को भी नहीं पता, तो वो भी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। अगर आप बीच बीच ले जाओगे तो आप सभी को हमारे RGS टूल में आए न्यू अपडेट्स के बारे में बिल्कुल नहीं मिल पता चलने वाला। साथ में आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कैसे आप इस स्पाइडर के न्यू अपडेट को ले सकते हो। लेकिन यार उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे हमारे इंडियन बाइडम तरीके कुछ धमाकेदार चीट कोड बता देता हूँ। जैसे 400 डायल करने पे ZX Tenor बाइक आपको देखने को मिलेगी, वहीं पे अगर आप यहाँ पे 300 डायल करोगे तो आप सभी को यहाँ पे हमारी टार्जन कार का न्यू अपडेट मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे 5000 डायल करने पे RX 200 बाइक देखने को मिल जाएगी जो कि न्यू अपडेट में मॉडिफाई कर दी गई है। साथ में यहाँ पे अगर यहाँ पे 900 डायल करोगे तो आप सभी को हमारी न्यू कोइनेक्स कार देखने को मिल जाएगी जो कि दिखने में काफी ज्यादा मस्त है। और साथ में यहाँ पे अगर यहाँ पे डायल करते हो 4 triple time पे तो यहाँ पे आप सभी को हमारे न्यू S11 स्कॉर्पियो कार देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अगर यहाँ पे डायल करोगे 3 6 time बार मतलब कि 3 बार 6 डायल करोगे और वहीं पे 7 बार डायल करोगे तो यहाँ पे डुगाटी डेविल बाइक आप सभी को देखने को मिलेगी। 888 डायल करने पे यहाँ पे आपको जो FZ10 देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर 48 डायल करोगे तो यहाँ पे आप सभी को ड्यूक 1290 बाइक देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी धमाकेदार हो रहा है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि सारी की सारी काफ़ी धमाकेदार कार्स आप सभी को यहाँ पे मिल चुकी है। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हमारे न्यू अपडेट में आए यहाँ पे जो स्पाइडर है उनका क्या चीट कोड है। तो गाइस यार आप सभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और इसी डिमांड पर यहाँ पे RGS टूल में यहाँ पे एक और न्यू अपडेट ऐड कर दिया गया, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे रोहित गेमिंग स्टूडियो सर ने हमारे न्यू अपडेट में इस स्पाइडर को ऐड कर दिया गया, तो चलो मैं इसका चीट कोड बता देता हूँ। तो अगर आप अपनी इंडियन आइटम 3 के न्यू अपडेट में स्पाइडर को लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने मोबाइल को ओपन करके यहाँ पे 505 को डायल करना होगा। जैसे यहाँ पे आप सभी ये डायल करोगे तो आप सभी को यहाँ पे स्पाइडर देखने को मिल जाएगा। बट यार मैं आप सभी को बता दूं कि ये स्पाइडर काफी ज्यादा खतरनाक, अगर आप इन्हें मारना चाहोगे ना तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप सभी को नॉर्मल गन नहीं लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको यहाँ पे RPG गन से इनके ऊपर अटैक करना होगा। अगर यहाँ पे किसी नॉर्मल गन से आप इन पे अटैक करोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं मरने वाले क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई जंप करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हो तो भाई कितना ज्यादा हाई जंप करते हैं, तो इन्हें मारना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को RPG गन का यूज करना होगा जिससे इसे मार सकते हो। अगर आप इन्हें भाई कुछ ज्यादा हो जाए, अगर आप इन्हें नहीं मार सकते हो और ये आपको मार रही है तो बार बार, तो आप इसे डिस्पोन भी कर सकते हो। उसके लिए आपको 505 को दोबारा से डायल करना होगा, उसके बाद में आप इन्हें सारी को डिस्पोन भी कर सकते हो। और देखो भाई कितनी ज्यादा खतरनाक है, ये मेरे ऊपर ही अटैक करने लगे। तो चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप इस स्पाइडर को अपने गेम में कैसे ले सकते हो, इसका न्यू अपडेट आप सभी को कब तक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में हमारे इंडियन आइटम 3 के न्यू अपडेट में आप सभी को कौन कौन सी न्यू धमाकेदार चीजें देखने को मिलने वाले। तो गाइस यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इंडियन आइटम 3 का न्यू अपडेट आप सभी को इस मंथ के एंड में देखने को मिलेगा और उसकी डेट मैं आप सभी को इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर आपको चाहिए भाई GTR तो उसके लिए आपको 3005 डायल करना होगा। अगर वहीं पर अगर आपको और चाहिए तो उसके लिए 200 डायल करना होगा। अगर आपको यहाँ पे बुगाटी V2 चाहिए तो उसके लिए आपको 100 डायल करना होगा। अगर यहाँ पे आपको डॉग चाहिए तो उसके लिए आपको 600 डायल करना होगा। वहीं पे अगर यहाँ पे आपको चाहिए हमारी न्यू बाइक जिसके लिए मैं आप सभी को चीट कोड बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर यहाँ पे आप 999 डायल करोगे तो आपको VMX बाइक देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अगर यहाँ पे 8811 डायल करोगे तो आप सभी को यहाँ पे फरारी कार देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अगर आप 6677 डायल करोगे तो आप सभी को हमारी न्यू JCB देखने को मिल जाएगी। और वहीं पे अगर आप यहाँ पे 8000 डायल करोगे तो आप सभी को हमारे न्यू अपडेट में हेलीकॉप्टर देखने को मिल जाएगी जो कि काफी धमाकेदार है। वहीं पे अगर यहाँ पे अगर आपको अपनी इन्फिनिटी हेल्थ करनी हो तो उसके लिए आपको 9129 को डायल करना होगा, उसके बाद में यहाँ पे आप अपनी इन्फिनिटी हेल्थ कर सकते हो।
सो आई होप आप सभी को सारे सारे अपडेट काफी धमाकेदार लगे होंगे। साथ ही में यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं 1000 डायल करने पे आप सभी को यहाँ पे फॉर्च्यूनर कार देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस यार अब बात करते हैं कि हमारी इंडियन बाइटम 3 की न्यू अपडेट में आप सभी को कौन कौन से न्यू अपडेट देखने को मिलने वाले, जो कि आप सभी को बिल्कुल भी नहीं पता, और हमारे RGS टूल में आप सभी को कौन कौन सी चीजें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी न्यू इंडोवर कार के चीट कोड के बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप सभी को पता है कि हमारे इंडियन बाइटम 3 की न्यू अपडेट में न्यू इंडोवर कार को ऐड किया जाएगा, जो कि दिखने में काफी मस्त और इसके थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए गए। और अगर बात की जाए कि इसका क्या चीट कोड होने वाला है, तो आप सभी को पता है कि इसका चीट कोड क्या है। यहाँ पे अगर आप अपनी ओल्ड वाली इंडोवर कार को स्पॉन करवाते तो उसके लिए आपको 2020 चीट कोड डायल करना होता, तो उसके लिए भी यहीं पे आपको 2020 चीट कोड डायल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये वाली कार देखने को मिल जाएगी। अगर वहीं पर बात की जाए कि हमारे न्यू अपडेट में इंडोवर कार का अपडेट आप सभी को कब तक देखने को मिल जाएगा, तो मैं आप सभी को इसके अंदर बैठ के बता देता हूँ। लेकिन यार गाइस आपने अभी भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं आप सभी के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो या फिर इंडियन बाइटम 3D के रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि आप सभी काफी ज्यादा डिमांड करते हैं कि हमारे इंडियन बाइटम 3D के न्यू अपडेट में यहाँ पे टेम्पो को ऐड कर दिया जाए। तो फाइनली आप सभी देख सकते हो कि हमारे न्यू अपडेट में यहाँ पे टेम्पो को ऐड कर दिया गया, जो कि दिखने में काफी ज्यादा धमाकेदार है। और साथ में यहाँ पे इसमें एक और सीक्रेट चीट को ऐड किया गया है, जो कि किसी को भी नहीं पता है वो क्या है कि यार इसी का चीट कोड इसके पीसी लिख रखा है। क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है कि RGS टूल मतलब कि हमारे इंडियन बाइटम 3D में किसी भी कार की नंबर प्लेट पे कोई भी नंबर नहीं है, वहीं पे सभी पे RGS होता है। ऐसा व्हीकल है जिसके ऊपर यहाँ पे इसकी नंबर प्लेट पे 8789 यानी कि इसका चीट कोड लिख रखा है। तो शायद हो सकता है कि हमारे इंडियन बाइटम 3D के न्यू अपडेट में आप सभी को इसका चीट कोड 8789 देखने को मिल जाए, जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है। अगर बात की जाए कि भाई हमारे टेम्पो के बारे में, तो भाई टेम्पो मैंने चलाया तो भाई इतना ज्यादा मजा आएगी, मतलब बिल्कुल इंडियन वाली फीलिंग यहाँ पे आप सभी को मिलने वाली है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो भाई क्या ही एकदम ऐसे घुमा फिरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइस यार बात करें हमारी इस टेम्पो के चीट कोड के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने इसका चीट कोड आप सभी को बता दे कि हमारे इंडियन बाइटम 3D के न्यू अपडेट में आप सभी को 8789 डायल करने पे आप सभी को टेम्पो या फिर इसे रिक्शा बोल सकते हो उसका अपडेट आप सभी को मिल जाएगा, जो कि काफी धमाकेदार होने वाला है। अगर गाइस यार बात की जाए हमारे इंडियन बाइटम 3D के कुछ और ऐसी धमाकेदार चीट कोड जो कि आप सभी को बता नहीं है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इंडियन बाइटम 3D के न्यू अपडेट में आप सभी को कौन कौन से न्यू चीट कोड देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात की जाए तो भाई स्पाइडर का आप सभी को न्यू अपडेट देखने को मिलने वाला, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और इसे देखने के बाद तो भाई आप खुशी के मारे भाई नाच नहीं लगोगे। अगर वहीं पे बात की जाए कि हमारे न्यू अपडेट में आप सभी को और कौन कौन सी चीजें देखने को मिलने वाली, तो यहाँ पे आप सभी को न्यू इंडोवर कार देखने को मिलने वाली, न्यू रेन अपडेट भी आप सभी को हमारे न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाले। साथ में यहाँ पे आप सभी को कंस्ट्रक्शन एरिया में और भी काफी सारी चीजें यानी कि कार हाउस देखने को मिलने वाला है, और साथ में मतलब कार शोरूम देखने को मिलने वाला है। साथ में कंस्ट्रक्शन एरिया में और भी काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे ऐड की जाएंगी। साथ में यहाँ पे हमारे इंडियन बाइटम 3D में न्यू बस को भी ऐड किया जाएगा, जो कि आप सभी काफी ज्यादा डिमांड थी। साथ में यहाँ पे ऐड की जाएगी हमारी न्यू सिटी को भी, मतलब सिटी टाइप में यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन एरिया ऐड किया जाएगा, जो कि हमारे न्यू अपडेट में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए और हमारे न्यू अपडेट के सीक्रेट चीजों के बारे में, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि RGS टूल में आप सभी को काफी सारे ऐसे और यहाँ पे प्रॉप्स या फिर बिल्डिंग या फिर कंटेनर या फिर और भी काफी सारी चीजें ऐसी, मतलब कि यहाँ पे RGS टूल में और भी काफी सारे न्यू अपडेट्स आने वाले। साथ ही यहाँ पे आप सभी को न्यू अपडेट में न्यू कार्स भी देखने को मिलने वाली, जो कि काफी ज्यादा सुपर होने वाली है। सो आई होप गाइस यार आप सभी को ये सारी चीजें पता होंगी, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं पता होंगी, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारे न्यू अपडेट में आप सभी को और कौन कौन सी चीजें मिलने वाली। तो मैंने ऑलरेडी आप सभी को सारी चीजें बता दी। अब बात करते हैं कि हमारे इंडियन बाइटम 3D का न्यू अपडेट आप सभी को कब तक देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यार मैं आप सभी को अगर बताऊं कि हमारे इंडियन बाइटम 3D का न्यू अपडेट आप सभी को कब तक देखने को मिलेगा, सो वो डेट है यहाँ पे आप सभी को इस मंथ के एंड में आप सभी को 100% आप सभी को हमारे इंडियन बाइटम 3D का न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई काफी जल्दी आने वाला है। बस यहाँ पे कुछ ही 5 दिन बचे हैं, लगभग 5 दिन बचे हैं, तो उसके बाद में आप सभी को ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आप सभी को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर देना भाई, बिल्कुल फ्री है तो जाके कर लेना। साथ में जो इस वीडियो में कमेंट करेगा उसे मैं रिप्लाई जरूर से करने वाला हूँ, तो रिप्लाई भी जरूर से मतलब कि कमेंट जाके जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट।